943 कुल केस, 11,357 लोग ठीक हुए हैं, 874 लोगों की जान चली गई है। ये सिर्फ राजधानी दिल्ली का आंकड़ा है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, सबसे भयावह स्थिति महाराष्ट्र की है। 88,529 कुल केस, 40,975 हालांकि ठीक भी हुए हैं, ये बड़ी तादाद है, जबकि 3,169 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु 33,229 कुल केस, 17,527 ठीक हुए हैं, 279 लोगों की जान चली गई है। ये तमिलनाडु का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 33,000 को क्रॉस कर चुका है तमिलनाडु का भी केस। देखिए सबसे ज्यादा भयावह स्थिति महाराष्ट्र की आपने देखी, महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में भी कहा जा रहा है कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा मंडरा रहा है और टोपी ट्रांसफर का दौर भी वैसे सियासत में इस वक्त जारी है राजधानी दिल्ली में। लेकिन देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसी बीच दो बड़ी खबर परेशान करने वाली आई है। मुंबई में बीएमसी के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना से मौत हो गई है, तो वहीं यूपी के अंबेडकर नगर के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसपी गौतम ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया। इनका लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। ये दो बड़ी खबर आज सामने आई है, जो दो चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं, बीएमसी डिप्टी कमिश्नर की मौत, तो वहीं अंबेडकर नगर से भी ये जानकारी, जिसके बाद चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। पीजीआई में भर्ती थे एसपी गौतम, लेकिन आज उनकी जान चली गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।